Hello, friends. I am Dr. Jaskaran Singh sani I am consultant paediatrician and neurologist at Mother Hospital, Chandigarh. And today I am here about uh, life talk with you. And the topic which we are going to discuss is the speech development in first year of life or infancy, and what we as a parent we should know about it. So we'll be talking about this topic today. So naturally, uh, growing up from being a newborn to a toddler. There's a lot of changes which take place in, in a baby, and one of the very important aspects or development sphere is your language and social interaction. So, both the important aspect of development and uh, it involves the intricate development and uh, understanding of the speech and language which we are talking about. The most interesting but that this is the most important aspect of uh, development which differentiates us from. दी लोअर एनिमल्स और लोअर मैमल्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन है या जो हमारी इंटेलिजेंस है या जो हमारा एक डोमेन है नॉलेज का वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है रिसिप्रोकेट होता है और इम्प्रूव करता है बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल दिस इज सम मेक्स द ह्यूमन बींग बेटर दैन अदर एनिमल्स और अदर मैनमल्स और हमारी सुपरिटी को इस्टेब्लिश करता है

दिस गिव्स अस डी जिस्ट देता है कि कैसे uh, कितना इंट्रिकेट और कितना कॉम्प्लिकेटेड uh, एक न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन काम करता है कितनी न्यू चीज़ें रुकवायर कर सकता है और कितनी उसकी पोटेंशियल है राइट right? तो एज ए पेरेंट हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए देखो जनरली ये नोशन रहता है कि जो स्पीच है दैट इज समथिंग विच हैपन्स इन दी सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ यानी बच्चा जो बोलना शुरू करता है वो सेकेंड ईयर मतलब अपने फर्स्ट बर्थडे के आस कहीं अपने पहले वर्ड्स बोलता है बट इससे पहले जो फर्स्ट ईयर का टाइम है उसको हम लेबल करते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट है ना तो दिस इज लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली वट है ईयर तो जो भी सेकंड ईयर में डेवलपमेंट होनी है उसका जो फाउंडेशन है या उसका बेस है वो हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चे के ब्रेन के अंदर वर्क हो रहा है जो कहते हैं ना अंडर हुड काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे हम बच्चे को स्टिमुलेट करें उसको प्रोत्साहन दें उसको थोड़ा इंकरेज करें कम्युनिकेट करने के लिए सोशलाइज करने के लिए और न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए सो दिस इज समथिंग विच वी एज अ पेरेंट वी मस्ट अंडरस्टैंड राइट तो इसमें अब इस वन ईयर के पीरियड को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो पहला पार्ट है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू थ्री मंथ्स देन थ्री टू सिक्स मंथ्स एंड देन द देंकेंड हाफ ऑफ द ईयर सिक्स मंथ्स टू मंथ्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग पार्ट जहाँ पे बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इसको कहते हैं ना एंजॉएबल रहती है पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्थ टू थ्री मंथ्स अब बर्थ टू थ्री मंथ्स में इनिशियली जो बच्चा है विद इन फर्स्ट फ्यू डेज जो कम्युनिकेशन रहता है दैट इज मेनली थ्रू दी क्राइज तो इनिशियली जो ये क्राई है ये सिर्फ डिसकम्फर्ट जाहिर करने के लिए होता है भूख लगने पर यूरिन आने पर स्टूल पास करने पर गर्मी लगने पर या फिर मकी नीड पैदा होने पर बच्चा क्राई करता है सो दीज आर द कॉम्यनिकेशंस विच वी सी इन दी फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ अदर थिंग्स विच हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स इज दैट धीरे धीरे जो उसकी क्राई है डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट हो जाती है तो मदर कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बच्चे को जब वो क्राई कर रही है भूख के लिए कर रहे हैं या किसी और कारण से कर रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस फर्स्ट थ्री मंथ्स में आता है वो है आई कॉन्टैक्ट विद द मदर उसकी शुरुआत होती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में बेबी होता है फीड ले रहा होता है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट बेबी स्टार्ट इस्टेब्लिशिंग आई कॉन्टैक्ट तो ये आई कॉन्टैक्ट जाके अराउंड फोर टू सिक्स वीक्स पे मेच्योर हो जाता है मोस्टली बेबीज में बाई दैट टाइम बेबीज कैन फोकस ऑन देअ मदरस एंड अच्छा आई कॉन्टैक्ट करते हैं और कई बार सोशल स्माइल भी शुरू हो जाती है एट सिक्स टू एट वीक्स सो दीज आर दी फर्स्ट सॉर्ट ऑफ कम्यूनिकेशन और लैंग्वेज डिवेलपमेंट स्पीच डिवेलपमेंट जो हम बच्चों में देखते हैं फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ में इसकी जो फाउंडेशन रहती है वो रहती है ऑब्जर्वेशन से तो बच्चे इस टाइम पर काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्पीच को हमारे वर्ड्स कंस्ट्रक्शन को एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो काम भी होते हैं जैसे अगर कोई बच्चा क्राई कर रहा है वट यू विल सी इन की सेकेंड या थर्ड मंथ ऑफ लाइफ में जब आप उससे बात करेंगे या उसको बुलाएंगे तो इस चीज़ से वो काम भी हो जाएंगे तो इसका मतलब होता है कि बच्चे ने ग्रेजुएट किया पहले उसने आपको बोलना मतलब एक तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू किया क्राए करके फिर उसने आपके साथ आई कॉन्टैक्ट किया फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे आप वर्ड्स बोल रहे हो फिर आपके वर्ड्स जो उसको फेमिलियर लगते हैं उसको रिकोगनाइज करके वो अपनी जो एक एग्रवेटेड स्टेट है जहाँ पे वो क्राई कर रहा है एजिटेटेड है उससे वो काम भी हो जाते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि डिफरेंट साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड करते हैं थोड़ा सा आंखें टर्न करेंगे जहाँ पे लाउड साउंड हुई है लाउड साउंड को स्टार्टल रिस्पॉन्स देंगे तो दीज आर दी मेजर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्पीच डेवलपमेंट और सोशल इंट्रैक्शन डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस इन दी फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ लाइफ राइट right? अब इसका हमें जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हमें नॉर्मल पता होगा तभी हम एज ए पेरेंट कई बार अब नॉर्मल को जल्दी पकड़ पाते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा और आगे बात करेंगे लेट्स थ्री मंथस टू सिक्स मंथ्स अगेन अब जो ये वाली स्टेज है यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें लगता है कि बच्चा हमसे कम्युनिकेट करना वापस शुरू कर लिया तो वो न्यू साउंड्स की तरफ वो गर्दन घुमाएंगे हमारे चेंज इन टोन को भी रिस्पॉन्ड करेंगे अगर आपने प्यार से बुलाया तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और होगा आपने स्टर्नली नो no बोला तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होगा तो दे विल स्टार्ट रिकोगनाइजिंग द चेंज इन द टोन ऑल्सो तो आप खुद सोच के देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है उन्होंने एक पहले एक उनके लिए जो फॉरन लैंग्वेज थी उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उसको समझना शुरू किया फिर सटल डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ सेम वर्ड एक होता है प्यार से नो बोला एक बोला आपने नो स्टर्न से तो उस चीज़ को भी बच्चा बिटवीन थ्री मंथ टू सिक्स मंथ्स रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और दिस इज़ अ टाइम बिटवीन थ्री टू तो सिक्स मंथ जहाँ पे फर्स्ट वोकलाइजेशन या फिर साउंड्स बच्चा प्रोड्यूस करना शुरू करता है तो अब ये जो साउंड्स हैं ये कैन बी वेरी वेग लाइक गर्गलिंग कभी कभी लाफ्टर भी होता है जो किलकारी हम क्लासिकली बोलते हैं एंड दिस स्टेज में जो बैबलिंग होती है जैसे वर्ड यूज करते हैं दो तीन अंग्रेजी के बड़े हैं फैंसी से जो यूज करते हैं एक होता है कूंग और एक होता है बैबलिंग जो कूंग होता है दैट इज बिटवीन सेकेंड टू फोर मंथ जब बच्चा कु कू कु, 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 कु करता है एंड बैबलिंग इज लाइक सिंगल कॉन्सोनेंट्स या वर्वल्स बोलना जैसे माँ बा डा दीज सॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इसको ये कहा जाता है दिस इज मार्जिनल बैबलिंग जो होती है सिक्स मंथ ऑफ एज तक ठीक है ना तो इसमें दो कॉन्सोनेंट्स या कॉन्सोनेंट और वर्वल का कॉम्बिनेशन नहीं होता सिंगल होता है से मा डा, बा, दिस सॉर्ट ऑफ ठीक है ना तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको कहते हैं कैनोनिकल दैट इज जनरली सीन आफ्टर मंथ्स ऑफ एज अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि वो फैमिलियर चीजों को रिकोगनाइज शुरू कर देता है करना और घर के मेम्बर्स को रिकोगनाइज करता है सिक्स मंथ्स तक पहुंचते पहुंचते वो अपने नाम को भी समझना शुरू कर देता है तो मोस्ट ऑफ द बेबीज विल गिव सम्स वेन देअ नेम इज़ अनाउंस लाइक जैसे अपने बेबी को बुलाया हाँ जैसे आपने बुलाया अपने बेबी को बुलाया किश भी बुलाया या कुछ साँझ बुलाया तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा दिखेगा एंड इसके अलावा एक और चीज़ है फीडिंग को एंटिसिपेट करना सो वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना फॉर पेरेंट्स की वेन यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी फॉर द फील्ड इधर इन फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और एनीथिंग एल्स बच्चा अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करेगा एंड यू ऑफ बिल्कुल कंजेस्टेड सी साउंडस खुश हो या गगलिंग करके या फिर लाफ्टर के साथ राइट सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन प्रोसीड्स फ्रॉम फर्स्ट थ्री मंथ्स टू द नेक्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स नाउ वी कम टू द मोस्ट एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट इज सिक्स टू ट्वर ट्वेल्व मंथ्स दिस इज द टाइम वैन एक्चुअली लॉट ऑफ चेंजेस कुछ चेंजेस टेक प्लेस इन वोकल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स ऑफ योर बेबी तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चा अटेंशन पे करेगा जब आप उससे बात करेंगे वो उसकी तरफ अटेंशन पे करेंगे इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये स्टेज होती है कैनोनिकल बैबलिंग की कैनोनिकल बैबलिंग का मतलब ये है कि वो एक कॉन्सोनेंट और एक वर्ल को एक साथ जैसे मामा डाडा डी डी डाडी दी सॉट ऑफ वर्ड्स जो बच्चे हैं वो प्रनाउंस करना शुरू करते हैं अब इनका मीनिंगफुल होना इस स्टेज पे जरूरी नहीं है मोस्टली दे आर मीनिंगलेस तो वो मामा को मामा डाडा को डाडा नहीं बोलेंगे वो जस्ट बैबलिंग करेंगे विदाउट एनी मीनिंग तो इस तरह की चीज़ें हम दिखती हैं इसके बाद क्या इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फेमिलियर साउंड्स को फेमिलियर वर्ड्स को थोड़ा सा पहचानना शुरू कर देते हैं कुछ गेस्टर प्लेज हैं जैसे पी कबू हो गया पैटा केक हो गया फिंगर गेम्स है एट सी स्पाइडर वाली गेम होती है इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और जो कम्युनिकेशन है वो हैंड गेस्चर्स के साथ होता है ना जैसे बाय बाय के साथ या फिर उनको थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स और जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना आता है स्ट्रेंजर के साथ वो एंगजाइटी शो करना शुरू करते हैं एट टू टेन मंथ्स ऑफ एज एंड दिस स्टेज प्री लिंग्विस्टिक स्टेज देन ग्रेजुएट्स टू वट वी कॉल एज होलोप्रेस्टिक स्टेज यानी कि एक सिंगल वर्ड स्टेज बाई एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर राइट तो यहाँ पर बच्चा अपने फर्स्ट वर्ड्स जनरली अपने बर्थडे के आसपास बोलता है ये दिस कैन बी लाइक एनी फॉर्म मामा हो सकता है डाडा हो सकता है कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यानी कि मम्मा को मामा बोलना है, या पापा को डाडा बोलना इस तरह की चीज़ें राइट right? तो ये जो फर्स्ट वर्ड्स हैं जनरली भी एक्सपेक्ट कि बच्चा अपने फर्स्ट बर्थडे के आसपास कहीं बोलना शुरू करता है तो ये तो हमारे को इन नक्शल हमने डिस्क्राइब किया हाउ स्पीच डिवेलप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तो इसका हमें जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको uh, आगे ही हमारा फाउंडेशन बनाता है स्पीच का जो सेकेंड ईयर में डेवलप होगी और सेकेंडली हम ये जानना चाहते हैं कि हम इसको इंक्रेज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं तो ये सब पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हम इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने बेबी की क्योंकि दैट इज़ वट वी पेरेंट्स लुक फॉर्व टू कि अपने बेबी के कोई भी एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस करें उसको इम्प्रूव करें ताकि उसको बेस्ट से बेस्ट हम दे सकें राइट right? तो ये हम एज ए पेरेंट्स सबका सोचते हैं तो इस चीज़ के लिए uh, कुछ फ्यू पॉइंट्स है विच आई वुड लाइक टू डिस्कस नाउ एंड uh, बाद में हम बात करेंगे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ पिकअप करने के लिए कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ नॉर्मल के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ आपको एबनॉर्मल दिखता है तो यू मस्ट रिकोगनाइज बट आर दी रेड फ्लैग साइंस ओबर देर राइट तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें देखनी होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें ये होता है कि बच्चों को जो वॉवल साउंडस हैं उनको और कॉन्सोनेट साउंडस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इनकेज करें राइट फ्रॉम वेरी यंग एज स्टार्टिंग फ्रॉम फोर टू फिफ्थ मंथ और जब भी बच्चा हमारी किसी भी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स करे या रेसिप्रोकेट करे तो उसको री इन्फोर्समेंट देनी है उसके साथ और खुश होकर इंट्रैक्ट करना है ताकि ही लुक्स फॉरवर्ड टू कम्युनिकेटिंग बैक हमारा जो कम्युनिकेशन है हमेशा टू वे स्ट्रीट होता है वन वे स्ट्रीट नहीं होता आप बातें करोगे बच्चे से तो बच्चा भी इनिशियली ऑब्जर्व करके बाद में सेम फ्लो में आपसे बात करने की कोशिश करेगा ही मे नॉट यूज़ द सेम बर्ड्स ही मे नॉट यूज द सेम फ्लो बट बट देखा गया स्टडीज़ हैव शोन दैट व्हेन यू टॉक टू द बेबी व्हेन यू रिसाइट सम पोएम और स्टोरी टू द बेबी तो बच्चे के जो मोटर uh, कोऑर्डिनेशन के स्पीच के एरियाज़ होते हैं स्पेशली ब्रोकर्स एरियाज एंड सेरिबेलम दैट दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे ट्राई टू कम्युनिकेट दे मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट बट वो ट्राई करते हैं तो सेम तरह का फ्लो वो बताने की कोशिश करेंगे साउंड्स बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं या वो ऑब्जर्व करते हैं उनके आसपास उनके फैमिली मेम्बर्स या जो उनके नॉन पीपल हैं कैसे बात करते हैं इसके अलावा कैसे गेस्टर्स में कम्युनिकेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए हमको क्लैपिंग सिखाना बाय बाय सिखाना हमको ना हैंड गेस्चर्स सिखाना पैटक केक जैसे हमने बात की पिकअबू ये सब कुछ हमें बात करनी है टॉकिंग एंड रीडिंग आजकल तो मतलब अब वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीनेटल जहाँ पे हम शुरू हो जाते हैं बच्चों से बात करना गर्भ संस्कार कोर्सेज़ होते हैं एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ हमारी महाभारत के लिए की स्टोरी की किस तरह से बेबी की जो हेरिंग uh, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो हेरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन यूट्रो डेवलप हो जाती है अराउंड ट्वेंटी फाइव वीक्स के जस्टेशन पे भी बेबी सुन सकता है कि बाहर से साउंड आ रही है तो ना केवल वो मदर की हार्ट uh, बीट और एमनियोटिक फ्लूड की विशिंग साउंडस सुनते हैं बट बाहर की कम्युनिकेशन लाउड साउंडस भी उस तक पहुँचती हैं तो सिमिलरली अगर हम उनसे uh, बाद में पैदा होने के बाद भी टॉकिंग कंटिन्यू करें उनसे रीड आउट करें कोई भी एक्टिविटी करते हुए उनसे बात करते रहें सिंग सॉन्ग करें हम उस तरीके से इनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस uh, है और स्पीच डेवलपमेंट है वो इन्हांस होती है क्विकन होती है और बढ़िया होती है दिस इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें ईयर इन्फेक्शन या ईयर की कोई भी प्रॉब्लम को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में लाइटली नहीं लेना है उसको बहुत सीरियसली लेना है बिकॉज माइल्ड ईयर इशूज़ सीवन जैसे ह्यूटाटाइटिस मीडिया है या ईयर इन्फेक्शन हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू हियरिंग लॉस फॉर द बेबी और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि जो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट है फर्स्ट ईयर वाली अगर किसी कारण से ये खराब हो जाती है या बच्चा मिस कर देता है बिकॉज ऑफ हियरिंग डेफिसिट या कम सुनने की वजह से या कम इनिशिएशन uh, की वजह से कम स्टिमुलेशन की वजह से तो दिस विल लीड टू फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी ईयर इन्फेक्शन को या ईयर प्रॉब्लम को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में लाइटली ना लें अपने पेडियटिशन के साथ या स्पेशलिस्ट ई एन टी के साथ हम डेफिनेटली कंसर्न करें और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद हमारी कंट्री में भी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं है वो है हेयरिंग स्क्रीन सो एज ए पार्ट ऑफ न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोसेस हेयरिंग स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू गो बाई गाइडलाइंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड बी एड यूरोपियन यूनियन और बी एट मेलिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दे दे एडवोकेट समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल हेयरिंग स्क्रीनिंग फॉर ऑल बेबीज तो आपका बेबी चाहे रिस्क पे है या नहीं रिस्क पे है हमें हेयरिंग स्क्रीन जरूर करना चाहिए तो हमारे इंडिया में भी सजेस्ट की जो हेरिंग स्क्रीन है आइडली इन द फर्स्ट मंथ बट लेटेस्ट से लेटेस्ट थ्री मंथ्स या सिक्स मंथ्स की एज तक डेफिनेटली हमारा एक हेयरिंग स्क्रीन हो जाना चाहिए क्योंकि जो स्मॉल इंसिडेंस यहाँ पे है हेयरिंग लॉस की वजह से आगे मोबलिटीज़ का वो हम कम कर सकते हैं बहुत से हमारे कॉजेज ऑफ हेरिंग लॉस रिवर्सेबल भी होते हैं एंड इफ टाइमली पिकड अप दैन नेसेसरी इंटरवेंशन कैन बी डन टू रिवर्स देयर इफेक्ट्स एंड टू सेव द चाइल्ड फ्राम लॉड ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम राइट तो इसमें एक लास्ट स्पेक्ट जो स्पेशली आज के पेंडेमिक एज में जो हमारे सामने उजाकर होके आ रहा है वो ये है कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है नॉट ओनली एज इंडिविजुअल्स इन अडल्ट एज ग्रुप बट ऑल्सो हमारा जो इन एडवेरेंट या नॉन इंटेंशनल एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन टाइम टू किड्स है या बच्चों की है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिस इज बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल एंड देंडेमिक्ड लॉकडाउन तो इससे अब क्या हुआ है वट दे है अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो बच्चे की स्पीच डिवेलपमेंट अफेक्टेड रहती है एंड वट देव शो इन रीसेंट स्टडी इज देट इफ इफ यू हैव एक्सपोजर ऑफ मोर दैन टू आवर्स ऑफ

एंडीफेक्टोरियल प्रॉब्लम like तो इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं कुछ इन्वायमेंटल फैक्टर्स रहते हैं और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर मोडिफाइबल है यहाँ पे वो है स्क्रीन टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट हम बहुत ही जुडिशियसली जो है स्क्रीन का इस्तेमाल करें स्पेषली इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एज मच एज पॉसिबल हमें अवॉइड करना चाहिए स्क्रीन टाइम फॉर द बेबीज इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैजेस्ट दैट लेस दैन हाफ आवर ऑफ स्क्रीन टाइम ओनली टू कम्युनिकेट विद फैमिली मेम्बर्स

तो उसमें है कि बाय थ्री मंथ्स बच्चे का आई कांटेक्ट ना आना एंड बच्चे का आप किसी चीज को पॉइंट करो इसको हम बोलते हैं जॉइंट अटेंशन यानी कि नॉर्मली आपने बेबी को किसी को कुछ पॉइंट किया तो बेबी उस चीज को फॉलो करेगा दिस स्टार्ट्स डेवलपिंग अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ्स ऑफ एज बट अगर वो नाइन मंथ्स तक भी इसको नहीं कर सकता तो देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग साइन इट शुड सम कंसर्न कोई भी वो स्पीच का माइल अटेंड करके रिग्रेस हो जाए उसके पीछे चले जाए देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग साइन फॉर अस बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करे और अपने नाम को रिस्पोंड ना करे अगेन दीज टू थिंग्स आर रेड साइन फॉर ऑटिजम राइट तो कोई भी अगर ऐसा फीचर आप अपने बेबी में देखते हैं तो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट विद येट्रिशियन और स्पेशलिस्ट आई होप दिस स्टॉक वॉज यूजफुल टू यू यू कुड बी नोइंग मोर अबाउट स्पीच डेवलपमेंट इन फर्स्ट ईयर विल बी बैक विद से मंथ टॉकिंग अबाउट वट हैपन्स इन स्पीच डेवलपमेंट द सेकंड ईयर ऑफ लाइफ थैंक यू